नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं आपके साथ कनिका। चुनावी राज्य हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहां पर सियासत का रंग गाढ़ा होता जा रहा है। और इस सियासत में रंग में सबसे बड़ा सवाल सत्ता की कुर्सी का है, जो इस वक्त भाजपा खेमे में सरदर्द बना हुआ है। कुर्सी एक है और चाहने वाले अनेक। आखिरी फैसला जनता को करना है कि आखिर वो सत्ता के सिंहासन पर किसे विराजमान करती है, किस पार्टी के नेता के सर पर ताज रखती है। देखिए खास रिपोर्ट। अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की जुगत में चुनावी मैदान में दिनों रात मेहनत कर रही है। बीजेपी इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ रही है। इसकी घोषणा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे बड़े नेता मंचों से पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वोटिंग की तारीख नजदीक आते आते मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की गिनती में भी इजाफा होता जा रहा है। इस समस्या से भाजपा आलाकमान अलग परेशान है और इसको लेकर पार्टी आलाकमान की सफाई का भी कोई असर नेताओं पर नहीं पड़ रहा है। पहले अनिल विज ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अब तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपनी वरिष्ठता की वजह से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूं। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अम्बाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। बात सिर्फ अनिल विज तक ही सीमित नहीं है। इनके बाद अब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी जता दी है। इन दो वरिष्ठ नेताओं की दावेदारी ने हरियाणा में बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। हरियाणा में एक कुर्सी के कितने दावेदार। सबसे पहला नाम आता है अंबाला कैंट के विधायक अनिल विज का, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता होने की वजह से अपना दावा ठोक रहे हैं। वो अब तक 6 बार विधायक रह चुके हैं, वो 7वीं बार विधायक चुने जाने के लिए चुनावी मैदान में है। उनका दावा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। हालांकि हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। अनिल विज के दावे पर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ये कह चुके हैं कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे। प्रधान की इस सफाई के बाद भी अनिल विज ने दावेदारी करना नहीं छोड़ा है। उन्होंने एक बार फिर सीएम पद पर दावेदारी करते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी अगर मौका देगी, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सीएम की कुर्सी से अपनी नजर नहीं हटाई है। हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर उनकी भी नजरें लगी हुई हैं। लिस्ट में तीसरा नाम आता है राव इंद्रजीत का। इंद्रजीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री पद पर यह कहते हुए दावेदारी ठोक दी है कि 12 साल में तो कूड़े का भी नंबर आ जाता है और इससे गया गुजरा तो मैं नहीं हूँ। राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि दक्षिण हरियाणा ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि दक्षिण हरियाणा को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जहां तक रही मेरी बात, मैं चाहूं ना चाहूं, लेकिन जनता ऐसा सोचती है। राव इंद्रजीत सिंह को लगता है कि अगर वे इंसाफ मंच के साथियों के साथ बीजेपी में शामिल नहीं होते तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। इस भावना को वे कई बार व्यक्त कर चुके हैं। विज के बाद अब राव इंद्रजीत की दावेदारी ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पद पर दावों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद की एक सभा में ये भी साफ किया था कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी ही राज्य के 12वें सीएम बनेंगे।
दरअसल इस बार हरियाणा का मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का है। बीजेपी लगातार दो बार से प्रदेश में सरकार चला रही है। एक तरफ बीजेपी हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से भी परेशान है, उसे दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। ऐसे में बीजेपी के इन क्षत्रपों को लग रहा है कि अगर जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की नौबत आई तो उनकी सोई हुई किस्मत खुल सकती है, इसलिए वो अभी से सीएम की कुर्सी पर अपनी दावेदारी करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज। हालांकि हरियाणा में भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री के नाम की आखिरी कवायद तब शुरू होगी जब वो सत्ता में वापसी करेगी, जो पार्टी के लिए पहले जैसा आसान नहीं है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से भाजपा की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनाव को बड़ा त्रिकोणीय रूप दे दिया है और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जमकर हरियाणा में रोड शो कर रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा, जनता हरियाणा में इस बार किसे मुकद्दर का सिकंदर बनाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा आज। तब तक के लिए नमस्कार।